Hello students and welcome to G3 e-learning classes. I hope you all are keeping good care of your health. Today we are going to do our next chapter, chapter 2 of class 12th, history, kings, farmers and towns, early states and economics. So first of all, I'll give you some introduction of this chapter. See, we have read our first chapter. In our first chapter, we read about Indus Valley Civilization. Okay, so which ended in 1900, which ended in 1900 BCE. Okay, 1900 BCE. So what happened after that? क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन का तो एंड हो गया था, उसके बाद 1900 BCE के बाद क्या हुआ? So in this chapter we are going to read दीज थिंग्स की उसके बाद जो हमारा टाइम पीरियड है 1900 BCE से लेकर 600 BCE, इसमें जो है वो ऋग्वेद का जो ऋग्वेद को कंपोज किया गया, उसको लिखा गया ऋग्वेद को, ठीक है. और सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिटवीन 1900 BCE एंड 600 BCE द ऋग्वेदा वॉज कम्पोज बाय पीपल लिविंग अलोंग द इंडस वैली and it tributaries, and it is very important part of this chapter that how the new dynasties are going to be emerged in this period. Okay, so during this period agricultural settlements emerged in many parts of the subcontinent including North India, the Deccan Plateau and the parts of the Karnataka. Besides, there is evidence of pastoral population in the Deccan and of frontier south. During this period, new modes of disposal of the dead, making of elaborate stone structures known as megalith, जिनको जो है megalith कहा जाता था. See, इस time पर जो dead bodies जो भी burials होते थे उनको दफनाया जाता था, dead bodies को, तो इस टाइम पे ये शुरू हो गया था कि बहुत बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनसे जो है उनकी जो कब्र है वो बनाई जाती थी, इनको कहा जाता था मेगालिथ. एमर्ज इन द सेंट्रल एंड द साउथ इंडिया फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम BCE. तो ये जो चेंज है इस टाइम पीरियड के अंदर आ गए थे. और इवन इन मेनी केसेस द डेड वर ब्यूरिड विद द रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स. और कहीं कहीं जो है हमें ये भी मिला है कि जो इन ब्यूरल्स के अंदर जो डेड बॉडीज हैं उनके साथ जो कॉमन पीपल थे उनके साथ जो है वो आयरन के जो टूल्स हैं उनको भी दफनाया जाता था. एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड विद द डेड पर्सन ऑल्सो ब्यूरड विद द डेड बॉडी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सबसे पहले हम समझेंगे कि ये 600 BCE और 600 CE. सी आई राइट जीरो हियर. सो ये जो है हमने यहाँ पर जो इस जीरो को है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ हमने यहाँ पर इसको मान लिया है. और जीसस क्राइस्ट से पहले का जितना भी जो टाइम हम काउंट करते हैं उसको हम BCE कहकर बुलाते हैं, ठीक है. BCE क्यों? क्योंकि हमने जो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है उससे पहले के टाइम को माना है, सॉरी जो हमने ये जीरो है इसको माना है हमने कॉमन एरा. अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर्स इसको हमने कॉमन एरा मान लिया है. और इस कॉमन एरा के पहले जितना भी जो भी टाइम काउंट किया जाता है उसको BCE कहा जाता है. मींस बिफोर कॉमन एरा. ओके, कुछ लोग इसको बिफोर क्राइस्ट एरा भी बोलते हैं. और इसके बाद जितना भी जो टाइम हम काउंट करते हैं उसको हम CE या AD. AD इसको कहा जाता है. तो CE मींस कॉमन एरा. तो अब हमें जो भी इस टाइम स्पैन के अंदर जो भी चीजें हुई उसका हमें कैसे पता चलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि ये चीजें हमें कैसे पता है क्योंकि ये बहुत हजार साल पहले हो चुकी हैं. तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे हमें इसका पता चलता है. सबसे पहले हमारे पास आता है इंस्क्रिप्शन.
विच आर रिटन ऑन मैनी स्टोन्स, कि उस टाइम पर जितने भी उस टाइम पीरियड के बारे में, सपोज जैसे यहाँ पर बहुत सारे ट्रेवलर्स आए तो उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस लिखे या स्टोन्स के ऊपर वो लिख कर गए कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है, ये चीज़ें जो हैं ऐसे यहाँ पर की जाती हैं, तो वो इंस्क्रिप्शंस यानी कि जो स्टोन्स होते हैं उनकी खुदाई करके जो लिखा जाता है उनको इंस्क्रिप्शंस जो है वहाँ पर हमें मिले हैं, उनसे हमें इस टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट सोर्स है हमारा टेक्स्ट। सी माय डियर स्टूडेंट्स, कि इस टाइम स्पैन के अंदर बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही धर्म जो हैं उनकी उत्पत्ति हुई थी, वो एमर्ज हुए थे यहाँ पर, और जितने भी उनके टेक्सेस यानी कि उनकी टीचिंग के ऊपर जितने भी जो कुछ भी लिखा गया या जो ट्रेवलर्स आए थे इस टाइम पे उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म के बारे में लिखा, तो वो सारे टेक्स्ट जो है उनके थ्रू भी हमें इस टाइम स्पैन के बारे में पता चलता है। देन आते हैं कॉइन्स। सी उस टाइम पर जो किंग्स होते थे और जितने भी एलीट क्लास जो लोग होते थे वो अपने अपने कॉइन्स बनवाते थे। इट कुड बी आयरन, सिल्वर हो सकता था, और जो है सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, वो अपने कॉइन्स बनवाते थे और उनके ऊपर जो है कॉइन्स के ऊपर अपनी पिक्चर्स को वो जो है इम्पोज कराते थे जो राजा होते थे, कि किस लिए, क्योंकि अपनी पावर को शो करने के लिए। तो ये डिफरेंट कॉइन्स जो हमें वहां से मिलते हैं उनके थ्रू भी हम इस टाइम स्पैन का हमें पता चलता है। देन आता है विजुअल मटेरियल, ठीक है, इवन वी फाइंड सम मॉन्यूमेंट्स और यू कैन से द विजुअल मटेरियल फ्रॉम विच वी कैन फाइंड आउट दैट इन रियलिटी दीज episodes or things were related to 600 BCE to 600 CE. First of all, if we see that 6th century is an important period in our history, or we can say that why it would be the turning point in our history. It is important because many crucial developments happened in this time. So these are the what these crucial developments was. In this period the use of iron increased, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है हम पढ़ते हैं इसको, क्योंकि जो है आयरन जो है इस टाइम पर वो इंक्रीज हो गया था। डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, ठीक है, बहुत सारे जो किंग है इस टाइम पर जो है अपने अपने नए नए सिक्कों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, अपने कॉइन्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। एंड एमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स एंड सिटीज, ठीक है, मेनली द स्टेट्स और सिटीज यहाँ पर एमर्ज हुई थी। हम इसमें जो है महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू हैव हर्ड अबाउट दिस महाजनपद, जनपदाज और महाजनपदाज। तो ये स्टेट्स और सिटीज जो कि बहुत ही पावरफुल सिटीज थी ये यहाँ पर एमर्ज हुई थी। एमर्जेंस ऑफ द न्यू रिलीजन्स, ठीक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो जैनिज्म है और बुद्धिज्म है इस टाइम स्पैन में वो जो है एमर्ज हुए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द स्टार्टिंग देयर इज अ पैराग्राफ अबाउट द प्रिंसप एंड द पियादसी। सो ये प्रिंसप कौन है? ये है जेम्स प्रिंसप, ठीक है। जेम्स प्रिंसप एक ब्रिटिश ऑफिसर है जिन्होंने ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि को पढ़ा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था इन आर फर्स्ट चैप्टर कि जो भी हड़प्पा काल में जितने भी हमें राइटिंग्स मिली हैं वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट राइटिंग, ओके, कि हमें वो बिल्कुल समझ नहीं आई है, आज तक भी जो है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। बट जो ये जेम्स प्रिंसप हैं और इन टाइम स्पैन के अंदर जितनी भी जो राइटिंग्स लिखी गई, ठीक है, चाहे वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, चाहे वो जैन धर्म से रिलेटेड है, चाहे वो इंस्क्रिप्शन है, टेक्स्ट है, वो जितना भी है वो लिखा गया खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में, और वो जो पढ़ने जो जेम्स प्रिंसप हैं वो एबल हुए उसको समझने में, तो उन्होंने उसको जो समझा और पढ़ा उस खरोष्ठी लिपि को, ठीक है, एंड पियादसी, और उन्होंने ये पता लगाया कि उस टाइम पे जो है जो राजा है उनको कहा जाता था पियादसी, मीनिंग क्या है, प्लेजेंट टू
बिहोल्ड कि जिनको पकड़ने में जो अच्छा लगता है, प्लेजेंट मतलब इनके साथ रहने में अच्छा लगता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सम ऑफ द मोस्ट मोमेंटियस डेवलपमेंट इन इंडिया, एपिग्राफी took place in 1830. This was when James Prinsep, an officer in the mint of the East India Company, deciphered Brahmi and Kharoshthi Lipi, two scripts used in the earliest inscription and coins. He found that most of these mentioned a king referred to as the Piyadasi. Meaning kya hai? As I already told you, pleasant to behold. There was a few inscriptions which also refer to the king as Ashoka, one of the most famous ruler, known from Buddhist text. तो जो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनमें जो है हमें इस इनके बारे में जो है पता चलता है. And this gave a new direction to investigation into early Indian political history as European and Indian scholar. और जो ये टेक्स्ट हैं और जो ये हम पढ़ते हैं प्रिंसेप प्रियदर्शी के बारे में, ये जो है हमें न्यू डायरेक्शंस देते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर. क्योंकि इफ़ वी आर एबल टू रीड दीज इंस्क्रिप्शंस तो हमें जो है वो ईजी हो जाता है इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाना. As a result, the bold contours of the political history were in place by the early decades of the 20th century. So now move to the second point, the earliest states. It's very important, please listen it very carefully. The 16 Mahajanpadas. The 16th century BCE is often regarded as a major turning point in early Indian history. It is an era associated with the early states, cities, the growing use of iron, the development of coinage, etc. It also witnessed the growth of diverse systems of thoughts, including Buddhism and Jainism. See, ये जो 16th century है ये बहुत ही major जो turning point है in Indian history. जो ये era है यहाँ पर early states जो है यहाँ पर उभर कर सामने आए, cities जो है grow हुई, iron का use यहाँ पर किया जाता था, development of coinage यहाँ पर जो है बहुत large level पर introduce किए, और ये also witnessed है diverse system of thoughts का including Buddhism and the Jainism. Early Buddhist and Jaina texts mention amongst other things 16 states known as the Mahajanpadas, such as Viji, Magadha, Kushala, Kuru, Panchal, Gandhar. See, Panchal और Gandhar, इससे कुछ आपको याद आता है, आपने सुने हैं ये वर्ड्स कहीं पर, पांचाल, हाँ जहाँ की पांचाली थी, ठीक है. और हम ये महाभारत में ये जो वर्ड्स हैं हमें सुनने को मिलते हैं, ये जो शहर है महाजनपद है ये हमें महाभारत में सुनने को मिलते हैं, गांधार, गांधारी, ठीक है. कौरवों की जो मदर थी वो जो है गांधार से बिलोंग करती थी. एंड अवंती अकर्स फ्रिक्वेंटली. दीज वर अमंगस्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपदास. While the most Mahajanpadas were ruled by kings some known as the Ganas and the Sanghas. और ये जो महाजनपद के अंदर जो राजा होते थे उनको गणा और संघा कहा जाता था. मीन्स यहाँ पर डिफरेंट मतलब बहुत ही कुछ छोटे छोटे राजा होते थे, कुछ बड़े राजा होते थे. जो छोटे राजा होते थे उनको गणाज, और जो है जो बड़े राजा जो कि कंट्रोल करते थे इन सभी छोटे उनको, तो उनको संघास कहा जाता था. So each Mahajanpada had अ कैपिटल, और हर महाजनपद की एक कैपिटल होती थी, विच वॉज ऑफन फोर्टिफाइड, मेंटेनिंग दीज फोर्टिफाइड सिटीज एज वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसीज रिक्वायर्ड रिसोर्सेज. आई होप यू अंडरस्टैंड. Next, we will move to our next point. First amongst the 16
मगधा. सी, जो ये मगध है इसके बारे में पढ़ेंगे. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद एंड बिटवीन द 6th एंड द 4th सेंचुरीज BCE मगधा बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद. मॉडर्न हिस्टोरियंस एक्सप्लेन दिस डेवलपमेंट इन अ वैरायटी ऑफ वेज. मगधा वॉज अ रीजन वेयर एग्रीकल्चर वॉज स्पेशली प्रोडक्टिव. बिसाइड्स आयरन माइंस जो कि प्रेजेंट डे कहाँ पर है, झारखंड में है. एंड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर द टूल्स, क्योंकि अब आयरन है तो उससे हम टूल्स बनाते हैं, तो ये टूल्स भी हमें प्रोवाइड कराते हैं. ऑल्सो द गंगा एंड द ट्राइब्यूटरीज प्रोवाइडेड अ मीन्स ऑफ चीप एंड द कन्वीनियंट कम्युनिकेशन. इनिशियली राजगिहा, अब जो राजगिहा है वो मगध की राजधानी उस वक्त पर बनाया गया था, जो कि प्रेजेंट डे राजगीर यानी कि बिहार में है. ओके, सो वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा. इंटरेस्टिंगली द ओल्ड नेम मीन्स हाउस ऑफ द किंग. अब राजगिहा मीन्स राजा का घर, ठीक है. राजगिहा द हाउस ऑफ द किंग. राजगिहा वॉज फोर्टिफाइड सेटलमेंट. अब जो ये राजगिहा था ये फोर्टिफाइड सेटलमेंट था, मीन्स इसके चारों तरफ जो है ना ऊंची ऊंची जो है दीवारें बना दी गई थी, उसे फोर्टिफाइड कहा जाता है. लोकेटेड अमंगस्ट हिल्स लेटर इन द 4th century BCE द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा. प्रेजेंट डे पटना में है पाटलिपुत्रा, ठीक है. पहले मगधा राजधानी थी, फिर पाटलिपुत्र कर दिया गया उसे, और जो कि अभी प्रेजेंट डे में ये कहाँ पर है, पटना में है. कमांडिंग रूट्स ऑफ द कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा. सो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट. एन अर्ली एम्पायर. सो इन दिस point we will read the growth of Magadha culminated means to reach the highest. कि कैसे जो मगध जो राज्य था उस वक्त पर महाजनपद था, it's reached to its height in the emergence of the Mauryan empire. कि Mauryan empire के उत्पन्न होने पर जो मगध जो राज्य था वो कैसे जो है इसके पीक पर जो है वो पहुंचा. और इसके जो फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, हु फाउंडेड द एम्पायर एक्सटेंडेड कंट्रोल एज नॉर्थ वेस्ट एज अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान. कि जिन्होंने अपना जो कंट्रोल है इस राज्य के ऊपर वो कहां तक कर दिया था, अफगानिस्तान तक और बलूचिस्तान तक. And his grandson Ashoka, arguably the most famous ruler of early India, conquered Kalinga, the present-day coastal Odisha. कि जिन्होंने कलिंगा का युद्ध जो जीता था और जो कि आज present day में कहाँ पर है, ओडिशा में है. So move to our next point, finding out about the Mauryas. इसमें हम पढ़ेंगे Mauryas के बारे में. Historians have used a variety of sources to reconstruct the history of the Mauryan Empire. These include the archaeological findings, especially the sculptures. Also valuable are contemporary works such as the account of the Meganisthenes. Meganisthenes जो है एक ग्रीक जो है ट्रेवलर था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर इंडिया आया था और उसने जो है अपनी जो बुक है इंडिका उसके अंदर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जो है वहां से पता चलता है. वो एक एम्बेसडर था द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य विच सर्वाइव्स इन द फ्रेगमेंट्स. अनदर सोर्सेज दैट इज ऑफन यूज इज द अर्थशास्त्र. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखी थी, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं. और वो ट्रेडिशनली बिलीव्ड टू बी द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता. एंड द मौर्यस आर मेंशन्ड इन लेटर बुद्धिस्ट जैना एंड पुरानिक लिटरेचर एज वेल एज द संस्कृत लिटररी वर्क्स. वाई दीज
are useful. The inscriptions of Ashoka on rocks and pillars are often regarded as amongst the most valuable resources. Ashoka was the first ruler who inscribed his messages to his subjects. Subjects means प्रजा कि जिन्होंने जो अशोका वो पहले राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए जो है इंस्क्रिप्शंस लिखवाए अपनी टीचिंग्स जो है धर्म के बारे में उन्होंने अपनी प्रजा को बताया उसके लिए वो क्या करते थे वो पिलर्स बनवाते थे और उन पिलर्स के जो ऊपर है वो राइटिंग्स को लिखते थे और अपने धर्म के बारे में लिखते थे कि हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए तो And officials on stone surfaces, natural rocks as well as polished pillars, he used the inscription to proclaim what he understood to be dhamma. और ये जो teachings थी और वो dhamma के बारे में क्या लिखते थे कि उन्होंने समझा क्या समझा dhamma के बारे में कि जो धमा है हमें यही सब चीजें सिखाते हैं दिस इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जेनरोसिटी टुवर्ड्स द ब्राह्मणास एंड दोज हु रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली एंड रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस अदर देन वंस ऑन कि हमें दूसरों के जो रिलीजन है उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर देयर वर फाइव मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द एम्पायर द कैपिटल पाटलिपुत्र एंड द प्रोविंशियल सेंटर ऑफ तक्षशिला उज्जैनी तोसाली एंड द स्वर्णगिरी ऑल मेंशन्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस If we examine the content of these inscriptions, we find virtually the same message engraved everywhere from the present-day northwest frontier province of Pakistan to Andhra Pradesh, Odisha, and Jharkhand in India. Could be vast empire have had in uniform administrative system? Ki, see. जो इंस्क्रिप्शन हमें यहां मैं कहूंगी कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो पाकिस्तान में जो भी हमें जो पिलर्स मिलते हैं उनके ऊपर जो टीचिंग लिखी गई है सेम वैसे ही पिलर हमें आंध्र प्रदेश में भी मिल जाएंगे ओडिशा में भी मिलेंगे उत्तराखंड इन इंडिया उत्तराखंड में भी मिल जाएंगे और सब जो है एक जैसी जो टीचिंग है वो प्रोवाइड कराते हैं वो बताते हैं तब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कुड दिस वास्ट एम्पायर हैव हैड एन यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कि जो इतना बड़ा जो वास्ट एम्पायर है कि क्या उसका यूनिफॉर्म जो एडमिनिस्ट्रेटिव रहा है एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना यूनिफॉर्म कैसे रहा है सी टुडे वी हैव सो मेनी फैसिलिटीज हम बाय ट्रेन बाय एयर हम जा सकते हैं और नहीं तो हम अपनी पर्सनल कार से जा सकते हैं लेकिन क्या उस टाइम पर ये फैसिलिटीज अवेलेबल थी बिल्कुल भी नहीं तो इतने बड़े लार्ज एरिया में ये कैसे पॉसिबल था उस वक्त के राजाओं के लिए या अगर हम बात करें राजाओं के लिए नहीं अगर हम बात करें अशोका के लिए जिसने इतना वास्ट एम्पायर को जो है उसको कंट्रोल में रखा तो क्या उसके लिए ये कैसे पॉसिबल था तो उसने बहुत सारी जो ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिनके थ्रू वो इतने लार्ज एरिया पे इतने लार्ज लेवल पे जो है वो राज कर रहा था तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे इट इज लाइकली दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट इन एरिया अराउंड द कैपिटल एंड द प्रोविंशियल सेंटर्स These centers were carefully chosen, both Takshila and Ujjaini being situated on the important long-distance trade routes, while the Swarnagiri, literally the golden, was possible, important for tapping the gold mines of Karnataka. See, अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा draw करके बता रही हूँ, suppose this is our map of इंडिया थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है बट इट्स ओके
तो प्लीज कॉपरेट, ये थोड़ा सा ऊपर से यहां थोड़ा सा गड़बड़ है। सपोज तक्षशिला सी, अब तक्षशिला कहाँ है हमारा, यहाँ इंडिया के पार्ट में, ठीक है। और जो मेरठ है यहाँ, सपोज यहाँ मेरठ है, दिस इज हियर दिल्ली है, यहाँ पर यूपी का एरिया, यहाँ पर क्या है हमारा मेरठ, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेंटर बनाया उसने, अशोका ने यहाँ सेंटर बनाया, देन कलिंगा, कलिंगा जो है यहाँ पर, इधर एरिया में कलिंगा पड़ता है, यहाँ पर उसने अपना एक सेंटर बनाया अशोका ने, ठीक है। और फिर है ये हमारा है गुजरात का एरिया, यहाँ पर है गिरनार, गिरनार, गिरनार से अगर हम इधर आते हैं हमारा महाराष्ट्र में, ये है सोपारा, यहाँ सोपारा में, ठीक है। फिर है ये सनाती, इधर यहाँ पर जो कर्नाटक का जो मैंने अभी आपको बताया, इधर जो यहाँ पर आ जाएगा उसका सनाती। तो ये जो ट्रेड रूट्स उसने बनाए और जो ये एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है उसने इस तरीके से बनाए कि वो पूरे उस पे इंडिया पे जो है यहाँ पर अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से चला पाए। कि जहाँ सपोज यहाँ पर उसने एक राजा को ये दे दिया कि आप यहाँ मेरे लिए काम करोगे, उसके लिए यहाँ पर एक्सेस इजी है, यहाँ वाले के लिए भी यहाँ एक्सेस जो है वो इजी है, यहाँ से है थोड़ा यहाँ पर जाकर जो है उसके लिए एक्सेस इजी है। तो इस तरीके से उसने जो है अशोका ने अपना कंट्रोल जो है पूरे इंडिया पर रखा। तो अब यहाँ की जो कर्नाटका की जो गोल्ड माइंस है वहां पर वो कंट्रोल कर सकता था, इंपॉर्टेंट है फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस। कम्युनिकेशन अलोंग बोथ द लैंड एंड द रिवर लाइन रूट्स वॉज वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्पायर। जर्नी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्रोविंस कुड हैव टेकन वीक्स इफ नॉट मंथ्स। दिस मेंट अरेंजिंग फॉर प्रोविंसेस एज वेल एज प्रोटेक्शन फॉर दोज हु वर ऑन द मूव। इट इज ऑब्वियस दैट द आर्मी वॉज एन इम्पॉर्टेंट मीन फॉर इंश्योरिंग द लेटर। मैगनीस्थीस मेंशंस, अब जो मैगनीस्थीस है वो मेंशन करता है अ कमेटी विद सिक्स सब कमेटीज फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी ऑफ दीज एंड वन लुक्ड आफ्टर द नेवी। जो सिक्स उसने कमेटीज बनाई थी, ठीक है, मैगनीस्थीस ने जो अपनी बुक लिखी है उसके अंदर से हमें पता चलता है कि सिक्स कमेटीज थी, उनको जो है कोऑर्डिनेट करने के लिए जो मिलिट्री एक्टिविटी है वो बनाया गया, उसमें से जो नेवी है वो नेवी थी, और सेकंड मैनेज द ट्रांसपोर्ट एंड द प्रोविंस, द थर्ड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुट सोल्जर्स, द फोर्थ फॉर हॉर्सेस, द फिफ्थ फॉर चैरियट्स, चैरियट्स होते हैं जो रथ जो होती है सेना, ठीक है, एंड द सिक्स्थ फॉर द एलिफेंट। जो ये तीन जो सिक्स कमेटीज बनाई थी तो इनके जो काम को वो डिवाइड कर दिया गया था। दीज एक्टिविटीज ऑफ द सेकेंड सब कमेटी वर रादर वेरिड, अरेंजिंग फॉर द ब्लॉक कार्ट ऑफ कैरी इक्विपमेंट्स, प्रिक्योरिंग फूड फॉर सोल्जर्स एंड फूडर फॉर एनिमल्स, एंड रिक्रूटिंग सर्वेंट्स एंड आर्टिसंस टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स। इवन अशोका ऑल्सो ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर टूगेदर बाय द प्रोपिगेटिंग धमा, द प्रिंसिपल ऑफ विच एज वी हैव सीन वर सिंपल एंड वर्चुअली यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अब अशोका ने जो है होल्ड इसलिए भी बना के रखा अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, जो अपनी प्रजा है, कि उसने जो है धर्म को अपनाया, उसने सभी जो धर्म के लोगों को जो है रिस्पेक्ट दिया, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट दिया, और उसने एक सुलह कुल की जो सुलह कुल की नीति है वो अकबर ने बनाई थी। हम बात कर रहे हैं अशोका की, तो उसने धर्म के थ्रू भी जो है सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट दिया, और जब आपके रिलीजन को रिस्पेक्ट मिलती है तो ऑब्वियसली जो है आप उसके फेवर में होते हो जो भी आपके रिलीजन को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से भी उसने जो है अपना कंट्रोल जो है अपने इतने वास्ट
प्रोविंस पे रखा. सो हाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द एम्पायर, कि जो एम्पायर है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था, कैसे था. वेन हिस्टोरियन बिगेन रिकंस्ट्रक्टिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री इन द 19th सेंचुरी, द एमर्जेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर वॉज रिगार्डेड एज अ मेजर लैंडमार्क. इंडिया वॉज देन अंडर कलोनियल रूल एंड वॉज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी इंडियन हिस्टोरियंस फाउंड द पॉसिबिलिटी दैट देयर वॉज एन एम्पायर इन अर्ली इंडिया, बोथ चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग. Also, some of the archaeological finds associated with the Mauryas, including stone sculptures, were considered to be example of the sculpture art typical of empires. Many of these historians found the message of Ashokan inscriptions very different from that of most other rulers, suggesting that Ashoka was more powerful and इंडस्ट्रियस. कि जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे, जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये पाया कि जो ये है वो बिल्कुल डिफरेंट है अशोका के दूसरे रूलर से, तो इसीलिए जो है मोर पावरफुल उसको बताया गया, इंडस्ट्रियस बताया गया, एज ऑल्सो मोर हम्बल देन लेटर रूलर्स, जो कि दूसरे रूलर से बहुत हम्बल भी थे एंड हु अडॉप्टेड द ग्रैंडोस टाइटल. So it is not surprising that the nationalist leaders in the 20th century regarded him as an inspiring figure. Then we will move to our next point, new notions of kingship. Chiefs, इनमें हम पढ़ेंगे chiefs and kings in the साउथ. अब यहां पर हम जो साउथ के जो चीफ हैं और जो किंग्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. द चीफ द न्यू किंगडम दैट एमर्ज्ड इन द डिकेन एंड फर्दर साउथ, इंक्लूडिंग द चीफडम्स ऑफ द चोलास, चेरास एंड द पांड्यास इन द तमिलकम, द नेम ऑफ द एंशंट तमिल कंट्री विच इंक्लूडेड पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश एंड केरला इन एडिशन टू तमिलनाडु, प्रूव टू बी स्टेबल एंड द प्रॉस्परस. अब जो दक्षिण का जो हमारा एरिया है यहां पर था राज जो है चोलास, चेरास और पांड्यास, ठीक है, जो कि इन्होंने यहां पर राज किया, इन्होंने यहां पर अपना एक नया जो किंगडम ये स्थापित किया हुआ था. एंड वी नो अबाउट दी स्टेट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज. फॉर इंस्टेंस द अर्ली तमिल संगम टेक्स्ट. अब इसके बारे में हमें कहां से पता चलता है, तमिल संगम टेक्स्ट से जो हमें पता चलता है. कंटेन्स जिसमें पोएम्स डिस्क्राइबिंग चीफ्स एंड द वे इन विच दे एक्वायर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज. और जो ये तमिल जो संगम है, ये जो बुक है, इससे हमें पता चलता है कि कैसे वहां के राजाओं ने जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था रिसोर्सेज को, कैसे जो है उनके बारे में जो है पोएम्स लिखी गई, उनके थ्रू भी हमें पता चलता है. मैनी चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द सातवाहना रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल इंडिया एंड द शाकास, अ पीपल ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन हु एस्टैब्लिश्ड किंगडम इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ड्राइव रिवेन्यूज. अब ये रिवेन्यूज लेते थे फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए. And their social origins were often obscure, and but as we will see in the case of the Satavahana, once they acquired power, they attempted to claim social status in a variety of the way. Next point is divine kings. Here. इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो जो किंग्स हैं वो अपने आप को क्या मानते थे, अपने आप को देविया, मीन्स वो बोलते थे कि हमारे पास जो है ना वो भगवान की शक्ति है एंड वी कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द गॉड और उन्हीं के आदेश पर वी आर सर्विंग यू पीपल, ठीक है. सो वन मीनिंग ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वॉज द आइडेंटिफाई विद अ वैरायटी ऑफ डिटीज. This strategy is best
exemplified by the Kushanas, who ruled over a vast kingdom extending from Central Asia to Northwest India. Their history was being reconstructed from inscriptions and textual traditions. The notion of kingship they wished to project are perhaps best evidenced in their coins and sculptures. Colossal statues of Kushanas ruler have been found installed in a shrine at the मठ नियर द मथुरा जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है. सिमिलर स्टेटस हैव बीन यू कैन से यस सिमिलर स्टैचूज हैव बीन फाउंड इन अ श्राइन इन अफगानिस्तान एज वेल. सेम हिस्टोरियंस फील दिस इंडिकेट्स दैट द कुशानास कंसिडर्ड देमसेल्फ गॉड लाइक कि वो अपने आप को भगवान की तरह मानते थे. एंड मैनी कुशाना रूलर्स ऑल्सो एडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्रा यानी कि सन ऑफ गॉड. पॉसिबली इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज रूलर्स हु कॉल देमसेल्फ सन ऑफ हेवन्स. बाय द फोर्थ सेंचुरी देयर इज एविडेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स इंक्लूडिंग द गुप्ता एम्पायर. मैनी ऑफ दीज डिपेंडेंट ऑन समंतास सामंत जिसको हम बोलते हैं. मैन हु मेंटेन्ड देमसेल्व थ्रू लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर लैंड. दे ऑफर्ड होमेज एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू द रूलर. होमेज मीन्स रिस्पेक्ट देते थे और जो रूलर्स हैं उनको मिलिट्री प्रोवाइड कराते थे. वीक रूलर्स माइट फाइंड देमसेल्व बींग रिड्यूस्ड टू पोजिशंस ऑफ सबॉर्डिनेशन. Histories of the Gupta rulers have been reconstructed from literature, coins and inscriptions including प्रशस्तीज की जो कि उनकी प्रशंसा में यानी कि जो राजाओं की प्रशंसा में जो भी लिखा जाता था उनको प्रशस्तीज कहा जाता था. कंपोज इन प्रेज ऑफ किंग्स इन पर्टिकुलर एंड द पैट्रॉन्स इन जर्नल बाय पोएट्स. वाइल हिस्टोरियंस ऑफन अटेम्प्ट टू ड्रॉ factual information from such composition, those who composed and read them often treasure them as work of poetry rather than as accounts. That were literally true the Prayaga Prashastis, or ye jo Prayaga Prashastis hai also known as the Allahabad pillar inscription composed in Sanskrit by the Harishena, the court poet of समुद्रगुप्ता. Arguably the most powerful of the Gupta rulers. Okay, I hope इतना आपको समझ में आया है. Next जो points है हमारे the changing countryside, popular perceptions of kings, ये जो जितना भी है हम अपनी next video में करेंगे. Thank you so much.